नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सपने दो तरीके के होते हैं, एक वो सपने जिसको हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं और दूसरे वो सपने जो रात में निद्रा के दौरान या तंद्रा के दौरान हमें दिखाई देते हैं। आज हम उन सपनों की बात करेंगे जो आपको नींद में दिखाई देते हैं, जो कुछ कहते हैं, जो कुछ इशारा करते हैं और जो आने वाले समय या बीते हुए अतीत के बारे में बताते हैं। सपनों का मतलब क्या होता है और स्वप्न विज्ञान कहता क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग क्या है। दिनांक 16 सितंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह के 9:17 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह के 7:36 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 16 सितंबर 2023 दिन शनिवार को प्रातःकाल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, चंद्रमा और मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये एक बड़ा सवाल मन में पैदा होता है कि आखिर सपने आते क्यों हैं और सपने कब आते हैं, क्योंकि रोज रात में आप सोइए, आपको रोज रात में सपने नहीं आएंगे, कभी कभी लगातार आएंगे और कभी कभी बिल्कुल नहीं आएंगे। कब आते हैं? देखिए, सपने जो है ना, मन की एक विशेष अवस्था है, आपके मन का ही खेल है। मन की एक विशेष अवस्था है जिसमें वास्तविकता का आभास होता है, ऐसा लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो हमारे जीवन में हो रहा है। स्वप्न न तो जागृत अवस्था में आते हैं और न ही निद्रा अवस्था में आते हैं। आप जगते रहेंगे, आपको स्वप्न नहीं आएंगे, और आपकी नींद अगर बहुत गहरी होगी तब भी आपको सपने नहीं आएंगे। सपने आते हैं कच्ची नींद में, न तो आप जगे हैं न तो आप सोए हैं, बीच की जो अवस्था है उसमें सपने आते हैं, इसको तुरिया अवस्था कहते हैं। सपनों के आने के पीछे आपका खान पान, आपकी बीमारियां, दिन भर आपने क्या सोचा, कौन सी चीज आपके मन में चल रही है, ये सब सपने में आपके असर डाल देते हैं। सपनों के पीछे ग्रह और राशियां भी जिम्मेदार होती हैं, जैसे जो वायु की राशियां हैं मिथुन तुला कुंभ, और जो जल की राशियां हैं कर्क वृश्चिक और मीन, इनको सपने थोड़े ज्यादा आएंगे।
नॉर्मली इनके सपने थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन हर सपने का कोई अर्थ नहीं होता। ज्यादातर सपने निरर्थक होते हैं। आपको लगता है कि हर सपने की सूचना है, तो मैं बता दूं कि 90% सपने आपके अपने मन से पैदा होते हैं। आप दिन भर जिस बात के बारे में सोचते हैं या दिन में जिस चीज पे आपने फोकस कर लिया, रात में वही चीज आपके सपने में आ जाएगी। यानी सपने आपके सोचने से, आपके खाने पीने से, आपके विचार से बड़ी गहराई से जुड़े होते हैं। सपनों के अर्थ बताने का प्रयास आगे हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आकस्मिक धन की प्राप्ति होती दिख रही है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। काम की अधिकता इस समय बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। परिवार के संबंधों पर ध्यान दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होता दिख रहा है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सपने आते क्यों हैं और किन स्थितियों में आते हैं। देखिए, सपनों में एक वास्तविकता का आभास होता है। एक वास्तविकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो सपनों में आपको महसूस होती है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि सपने कच्ची नींद में आते हैं, ना तो आप जगे हैं ना तो आप सोए हैं। सपनों के आने के पीछे आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सी बीमारी है, इसका बड़ा मूल्य होता है। आप दिन भर किसी फिल्म के बारे में सोचिए, रात में सपने में आपको वही एक्टर और एक्ट्रेस दिखाई देंगे। आप दिन भर भगवान का चिंतन करिए, भगवान शिव के आप भक्त हैं तो आपको रात में सपने में भगवान शिव के ही दर्शन होंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, 10% सपनों में ऐसा होता है कि ये सपने आपको आने वाले समय के बारे में बताते हैं, और कुछ सपने आपके पूर्व जन्म की घटनाओं के होते हैं। आप तो उसे नहीं जानते कि पूर्व जन्म में आपके साथ क्या हुआ था, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा पुरानी है। वो कभी कभी उस इलाके में प्रवेश कर जाती है जो आपके पूर्व जन्म से संबंधित हैं, तो आपको सपने में घर दिखने लगता है, विशेष तरह के मंदिर दिखने लगते हैं, विशेष तरह की चीज़ें बार बार दिखाई देती हैं, क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म से जुड़े होते हैं। तो सपने, आप जब कोई सपना आप देखते हैं तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये आपके मन से ही पैदा हुआ है या ये सपना आपको कोई सूचना दे रहा है। और अगर आपको कोई सूचना दे रहा है
तो उस सूचना को समझने का प्रयास करिए, ताकि उस सपने की वजह से जो फायदा हो सके वो उठा सकें और जो नुकसान हो रहा है उससे आप बच सकें। सपनों के अर्थ पे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नौकरी में कोई परिवर्तन छोटा मोटा इस समय हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, काम की रुकावट आपकी दूर होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। बड़ों की सहायता से आपके जीवन में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में आपके शुभ और मंगल कार्य हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको अलग अलग सपनों के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप आकाश में उड़ रहे हैं ऐसा सपना देखते हैं, या हवा में उड़ रहे हैं ऐसा सपना देखते हैं, तो इसका मतलब है आपके वात का, आपके गैस्ट्रिक मामले का संतुलन बिगड़ा हुआ है। आपको गैस की समस्या है जो सपने में आ रही है। अगर पानी, झरना या नदी देखते हैं, यानी जल से संबंधित सपने देखते हैं, तो इसका मतलब आपका कफ तत्व, कफ की जो समस्या है वो आपके अंदर है। अगर आग का, सूरज का या ज्वालामुखी का सपना देखते हैं, तो इसका मतलब आपका पित्त का संतुलन गड़बड़ है। अगर आप सपने में कमल का फूल देखते हैं, हाथी देखते हैं, बंदर, हंस, गाय देखते हैं, तो ये बड़ा शुभ स्वप्न है, और या तो ये सपने धन संपत्ति देते हैं, या ये सपने बताते हैं कि भविष्य में आपको संतान होने वाली है। अगर स्वप्न में किसी व्यक्ति की मृत्यु दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु आपने देखी है उस पर आया हुआ संकट टल जाता है और उसकी आयु बढ़ जाती है। अगर स्वप्न में पहले मरे हुए लोग, आपके पूर्वज जिनका देहांत हो गया है, ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि या तो उनकी इच्छाएं अतृप्त हैं, या आपको किसी घटने वाली घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। ऐसे स्वप्न को बड़ी गंभीरता से समझने का प्रयास किया जाता है। अगर स्वप्न में किसी व्यक्ति के साथ या अपने साथ दुर्घटना दिखाई दे रही है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपके साथ वास्तविक जीवन में भी
कोई दुर्घटना घट सकती है। अगर स्वप्न में किसी उत्सव या किसी पार्टी का, शादी विवाह का सपना देख रहे हैं तो समझना चाहिए कि आप बीमार हो सकते हैं। अगर सपने में आप स्वयं को या किसी को पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है, खास तौर से नौकरी से संबंधित। अगर सपने में आप धन, जेवर, गहने, पैसा, रुपया देखते हैं तो ये सपना अच्छा नहीं है। ये सपना बताता है कि आने वाले समय में आप बीमार पड़ सकते हैं। तो देखिए, सपनों को समझने के लिए बड़े सारे काम देश दुनिया में हुए हैं। सिगमंड फ्राइड ने बाकायदा सपनों के इंटरप्रिटेशन पे किताब लिखी है। विश्व के बड़े मनोचिकित्सक माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो अगर आपको सपनों को गहराई से समझना होगा तो सपनों के विज्ञान को समझेंगे तभी समझ पाएंगे। हर सपने का अर्थ निकालने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि ज्यादातर सपनों का मतलब कुछ भी नहीं होता। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्य क्या है। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा, करियर में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं, नए मित्र आपके बन सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल डाल दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काम को लेकर के जल्दबाजी ना करें, किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ होता दिखाई देगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो कुछ हद तक दिन आपका बेहतर होगा। मीन राशि, आर्थिक फायदा होगा, पैसे का लाभ होगा, कोई वाहन खरीद सकते हैं, वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। करियर में आपको लगातार लाभ इस समय होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। जब भी आप सोते हैं अपना सर पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपका मन हमेशा अच्छा बना रहेगा। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ अपना पैर करके मत सोइएगा। ऐसा करना आपके लिए किसी भी हिसाब से बेहतर नहीं होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 16 सितंबर 2023 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल पश्चिम दिशा की तरफ, वेस्ट साइड की तरफ चेहरा करके बैठिएगा, स्नान आदि करके, और इसके बाद 9 बार शनि मंत्र बोलिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। 9 बार शनि मंत्र बोलिएगा, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।